चमकीला छा ही गया। 2024 तो दिलजीत और परिणीति का साल है। पूरा सोशल मीडिया उनकी फिल्म चमकीला की रील्स, पोस्ट और उनकी तारीफों से भरा हुआ है। इम्तियाज अली ने अपनी इस फिल्म से सबको मोहित कर दिया। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो चमकीला 2024 की सबसे बेहतरीन फिल्म है। फैंस को लगता है कि चमकीला के रोल के लिए दिलजीत को नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेट करना चाहिए। वहीं उन्हें परिणीति अमरजोत कौर के रोल में भी काफ़ी अच्छी लगी। लोगों का कहना है कि ये परिणीति का सबसे अच्छा कमबैक है। लेकिन इन तारीफों के बीच कुछ ऐसा हुआ है जिसने सबको चौंका दिया। नमस्कार, मैं हूं नवेन श्रीवास्तव और आज हम बात कर रहे हैं परिणीति की दी गई उस स्टेटमेंट की जिसने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया है। हाल ही में उन्होंने इंटरव्यू में ये कहा था कि कैसे उन्हें अपने रोल के लिए काफ़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा था कि इम्तियाज अली जो कि फिल्म के डायरेक्टर हैं उन्होंने उनसे वेट बढ़ाने के लिए कहा था। परिणीति का कहना था कि इम्तियाज सर ने ये कहा है कि एक ऐसी फिल्म है जहां तुम्हें लाइव गाना होगा, तुम्हें 20 किलो वेट भी बढ़ाना पड़ेगा, मेकअप भी नहीं लगाना है, मतलब तुम्हें फिल्म के लिए अपना वर्स्ट दिखना है। अब लोगों को परिणीति की ये बात ज़रा भी पसंद नहीं आई। उनका मानना है कि वो ये सब कहकर अमरजोत की इंसल्ट कर रही हैं। लोगों ने ये भी कहा कि वो इंटरव्यू में ये कहकर कि वो बहुत बुरी दिख रही हैं, इन सारी स्टेटमेंट से वो अमरजोत कौर की निंदा कर रही हैं। और इससे भी शॉकिंग बात यह है कि जहां परिणीति ये कह रही हैं कि इम्तियाज़ ने उनसे वेट बढ़ाने को कहा था, वहीं एक इंटरव्यू में इम्तियाज़ ने ये कहा है कि उनकी तो शक्ल भी मिलती है, सिंगर हैं, पंजाबी हैं, शक्ल भी मिलती है, उन्होंने अपना कुछ वजन बढ़ाया 7 किलो या 10। जैसे ही ये वीडियो बाहर आया लोगों ने परिणीति को झूठ बोलने के लिए काफ़ी ट्रोल किया। ये तो थी परिणीति की प्रोफेशनल लाइफ की बात। बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की तो उन्होंने सितंबर 2023 में आम आदमी पार्टी के लीडर राघव चड्ढा के साथ शादी की थी और फिलहाल वो अपनी फिल्म की सक्सेस और अपनी शादीशुदा लाइफ एंजॉय कर रही हैं।